Honorable Leader of the Opposition. सर, दो तारीख फरवरी मैंने जो यहाँ पर चंद पॉइंट्स अपने भाषण में उठाए थे उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पहला जो मेरा रिमार्क्स एक्सपेंज हुआ है, कारण बताता हूँ ना। इफ यू विल रीड व्हाट हैज बीन एक्सपेंस्ड विल नॉट बी एप्रोप्रिएट, सो यू प्लीज इंडिकेट द प्रेमिस ऑफ इट। आई एम ओपन टू इट, प्लीज आई वांट योर कम्युनिकेशन, प्लीज सर। एक्सपेंज हुए हैं, मैंने उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया, तो किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, जो मेरे रिमार्क्स एक्सपेंज हुए हैं उसमें रूल्स के मुताबिक किसी भी पर्सन इन हाई अथॉरिटी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। रूल 238 5 ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के एक्सप्लेनेशन में साफ साफ पर्सन इन हाई अथॉरिटी का मतलब लिखा गया है। अगर मैं आप इजाजत दे तो वो भी पढ़ूंगा, प्लीज सर प्लीज, तो पढ़ूंगा। ये रूल ये कहता है, नो एलिगेशन ऑफ ए डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड बाय ए मेंबर अगेंस्ट एनी अदर मेंबर और ए मेंबर ऑफ द हाउस अनलेस द मेंबर मेकिंग द एलिगेशन हैज गिवन ए प्रीवियस इंटीमेशन टू द चेयरमैन एंड ऑल्सो टू द मिनिस्टर कंसर्न सो दैट द मिनिस्टर may be able to make an investigation into the matter of the purpose of reply, provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is opinion that such allegations are derogatory to the dignity of the council or that no public interest is served by making such allegation. This is रूल 238 और 5 में ये भी कहा है कि इस रूल्स के मुताबिक मैं रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन इन हाई अथॉरिटी अनलेस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन सब्सटेंटिव मोशन ड्रॉन इन ए प्रॉपर टर्म्स। सब ये 238 फाइव सब क्लॉज के मुताबिक हो या 238 ए के मुताबिक हो, मैंने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया। और दूसरा, जो भी ये पर्सन इन हाई अथॉरिटी का मतलब मैंने आपके सामने रखा है कि इस डेफिनेशन में कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से कवर नहीं होता, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी सब्सटेंटिव मोशन नहीं लाया गया। सर, एक्सप्लेनेशन टू रूल 38 पढ़ने के बाद, रूल 38 एक्सप्लेनेशन। नहीं, मैं बोलता हूँ, फिर आपके बाद मैं आप कह दीजिए इसके मुताबिक है तो मेरा कोई। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरे इसमें रूल्स के मुताबिक प्रियर नोटिस का भी कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि ना तो जिनकी बात हो रही थी वो इस हाउस के सदस्य है और जो मैंने बोला वो बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन पर बेस्ड था। मैंने जिस ट्वीट का जिक्र किया वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है। बाद में स्पष्टीकरण ज़रूर आया, लेकिन मैंने जो भी बोला वो फैक्ट्स के आधार पर बोला। सर, राष्ट्रपति अभिभाषण पर
धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसा मौका होता है जब हमें कई विषयों पर व्यापक चर्चा करने पर मौका मिलता है, तो मुझे लगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये मेरा कर्तव्य और हक है कि मैं इस मुद्दों को सदन में उठाऊं। मैंने बोलते हुए ना ही किसी मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना ही किसी राज्य को राज्य से उस राज्य का नाम लिया, उसका जिक्र भी नहीं किया। इसीलिए जो मेरे शब्दों को एक्सपंज किया गया उस पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की प्रोसीडिंग्स में इन रिमार्क्स को पुनर्स्थापित किया जाए और उन शब्दों को पूरे दो पेज का आपने काट दिया साहब, दो पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया, उसमें क्या हो गया कि लोग के अरे बैठो भाई चुप सुनो, तो आपने क्या कहा गड़बड़ शुरू हो गई, वो शब्द प्लीज नो इस बार भी बोले वो आगे था, when the leader of the opposition is on his legs, I expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please, no, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है? ये अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब आप गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हैं। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है, आपके आगे मैं पढ़ूं, आपके आगे आगे था क्या कि पूरा गड़बड़, क्या बोलते हैं हिंदी में व्यवस्थान, क्या व्यवधान, तो आपने लिखा उसके सामने तो वो शब्द चले गया दूसरा, तो ये मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा देखिए 1:55 में मैंने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर दो बार सर वो मत पढ़िए, मैंने एक्सपेंस किया हुआ है। नहीं, अरे मैं तो वो वांट, मेरे को एक्सपेंस का ही होना है, मेरे को दूसरा नहीं है, मेरे को होना है एक्सपेंस का। देखिए 2 ऑनवर्ड्स दी एक्सपेंस्ड पोर्शन मे नॉट बी रेड, पढ़ाना अछूत है, अछूत सर हैज बीन हेल्ड बाय अनपार्लियामेंट्री। No. अरे एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी आज मैं शीशे में 2 देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से देख कर बोलना है, तो आप भी इधर ही देख कर बोले सर। ओ आप ही के तरफ, आपको दो देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील सब आप है इधर देखे, तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और 2:00 1:55 हुआ, 2 हो गया, और 2 ऑनवर्ड्स उसमें भी आपने वो काट दिया, फिर 2:40 को आपने काट दिया। देखिए सर, तो मैं ये इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको तोड़ मोड़ के अगर पढ़ेंगे लोग तो क्या होगा, अरे ये आपने जो चीजें बोली है इसमें नहीं है। मेरे को हर दफा हो रहा है, दिस इज द सेकेंड और थर्ड टाइम माय स्पीचेस आर कट एंड दिस इज द लेटर आई हैव रिटर्न टू यू, एंड मैं बाहर प्रेस को नहीं बोलना चाहता था अनलेस आई कैन ब्रिंग टू योर नोटिस, व्हाट इज दिस सर एवरी टाइम। एंड यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में sir, इतना बोला गया है sir, इतनी चर्चा हो गई है, और मैं जब बोलता हूँ उसको निकाल देते हैं, व्हाट इज दिस ये sir, इसीलिए मैं कृपया करके आप उसको निकाल, जो आपने निकाला है वो पूरे पेज को आप रख दीजिए,
यही मेरी आपसे अपील है। ठीक है। ऑनरेबल मेंबर्स, वी हैव अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस, अ बुक फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटेरिएट विच सेज अछूत इज अनपार्लियामेंट्री, नंबर वन। Honorable members, I have received a communication, a written communication from Honorable Leader of the Opposition. I have gone through it. I will give my ruling on it. But I may indicate to the House that his communication is in two parts. He has listed four items in particular. Item number one was relating to a word which was expunged because it is unparliamentary. The other 2, 3, 4 were recorded after I had said nothing will go on record. But I'll give my ruling. This matters because this is a platform where everyone has a free right of expression and in accordance with rules. Sir, I'll give it, give my ruling on this. ना जब तक सर लिबर्टी गुड बट देर हैव बीन एड्स नाउ नॉट अंडरस्टैंड द टाइम्स चेंज व्हेन द टाइम्स चेंज द लॉ चेंज प्लीज आई हैव आस्क आई एम प्रेजेंटिंग टू यू नो व्हाट डू यू वांट टू से सर untouchability, there has been act, it has been accepted legally as a terminology. Then please, it is for you. Please, I want you to balance. It is for the chair or for the house please, to correct its book. I will be too happy to revise unparliamentary expressions. And I may constitute a committee on that point so that senior members of the house and also young members, lest they take an offense at it, use there, we'll have an exam. To the extent what the leader of the opposition has said, I will give my ruling on that. Sir, my point of order. 1 minute, listen, I will not give more. Under rule? Sir, shabdon ka nikala jana. Agar koi shabd aapko lage ki wo unparliamentary hai, तो आप उसे निकाल देंगे, लिख देंगे और कहेंगे ये कार्रवाई में नहीं होगा। लेकिन जिस तरह पेज बाय पेज 10-10 मिनट की स्पीचें निकाली जा रही, सर ये कभी नहीं होता था राज्यसभा में। पार्लियामेंट में वो वर्ड निकाला जाता है, पूरा रेफरेंस नहीं। प्रमोद जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैड वेरी फर्मली कैटेगोरिकली पुट अक्रॉस हिज पॉइंट। ठीक है, इफ यू वॉन्ट माई टेंटेटिव रिस्पॉन्स, हैव द बुक बिफोर यू सर। रूल 238A प्रोविजो, एंड व्हाट डज द प्रोविजो से, प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन मे एट एनी टाइम प्रोहिबिट एनी मेंबर फ्रॉम मेकिंग एनी सच एलिगेशन इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एलिगेशन इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द काउंसिल नॉट सम इंडिविजुअल or that no public interest is served by making such allegation. Shri